गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा, आज हम कक्षा पांच के पार्ट नंबर 8 को पढ़ेंगे। क्या नाम है? उसी की जवानी। क्या है ये? साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन एवं कार्यों के बारे में पूछता है या आप उसमें डिस्कशन करते हैं जब, तो वो होता है साक्षात्कार। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा इंटरव्यू। तो इस लेसन में किसके साक्षात्कार के विषय में बताया गया है? डाकिये रामपाल सिंह के। देखिए, डाकिया है रामपाल सिंह, उसके इंटरव्यू के विषय में बताया गया है। वो उसके विषय में पूछा गया है कि वो क्या करता है, उसकी जीवन शैली कैसी है, कौन से गांव में है। उसका गांव का नाम है सुहार, नामक गांव में रहता है। कौन? डाकिया रामपाल सिंह। और उसकी आयु है 35 वर्ष। पहले क्या था? वो ग्रामीण सेवक था, फिर बाद में पैकर बना, उसके बाद वह डाकिया बन गया। डाकिया के क्या क्या काम होते हैं इसमें बताया गया है कि चिट्ठी बांटना, पार्सल भेजना, मनी ऑर्डर देना, ये सब आपके गांव में भी आपने देखा होगा कि बच्चे के डाकिया आता है घर पे, लेटर वगैरह दे के जाता है कुछ ना कुछ। तो ये सब उसके जीवन के बारे में बताया गया। उससे पूछा गया कि उसको आप वह अपने जीवन से संतुष्ट है या नहीं है। वो इसमें बताया, वो अपने सारे प्रश्न जो उससे कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका स्टिक जवाब देता है। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने उससे बातचीत की, इसे साक्षात्कार भी कहा जा सकता है। उस साक्षात्कार का विवरण इस प्रकार है। किसी कोई व्यक्ति ने उसका इंटरव्यू लिया है तो उसके विषय में बताया गया है कि कैसे लिया उसने और उन्होंने अपने जवाब कैसे दिए। सबसे पहला प्रश्न था, आपका शुभ नाम क्या? उसने जो डाकिया है उसने उत्तर दिया, मेरा नाम रामपाल सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? किसने पूछा? जो उसका साक्षात्कार ले रहा है। तो उसने जवाब दिया, मैं रामपुर जिले के एक गांव सुहार का रहने वाला हूँ। तो रामपाल कहाँ का रहने वाला है? सुहार का। आप अपने परिवार के बारे में बताइए। फिर उसके परिवार के बारे में पूछा जाता है। फिर वो जवाब देता है रामपाल, मेरे परिवार में मेरे माता पिता, पत्नी तथा 3 बच्चे हैं, 1 लड़का, 2 लड़कियां। मेरे माता पिता वृद्ध हैं। वृद्ध क्या है? बूढ़े हैं पर स्वस्थ हैं। मेरी आयु 35 वर्ष है तथा मेरी पत्नी 30 वर्ष की है। इसमें रामपाल के विषय में बताया गया है कि रामपाल सुहार गांव का रहने वाला है। उसके परिवार में उसके 3 बच्चे, माता पिता और पत्नी है। और रामपाल की आयु कितनी है? 35 वर्ष की। और उसकी पत्नी की आयु कितने वर्ष की है? 30 वर्ष की। क्या आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं? जो साक्षात्कार ले रहा है जो व्यक्ति, उसने उससे पूछा कि आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं। 1 लड़का और 1 लड़की पढ़ने जाते हैं। लड़का 4th कक्षा में तथा लड़की 2nd कक्षा में पढ़ती है। दूसरी लड़की अभी छोटी है। मेरे बच्चे गांव के स्कूल में ही पढ़ते हैं, मैं उन्हें महंगे पब्लिक स्कूल में तो पढ़ा नहीं सकता। ये उसका जवाब था। डाकिया बनने से पहले और क्या क्या काम करने पड़ते थे? पहले मैं ग्रामीण डाक सेवक था, फिर मैं पैकर बना, अब मैं तरक्की पाकर डाकिया बना हूँ। उसने ये जवाब दिया। पहले तो क्या करता था गांव में? क्या था? डाक बांटता था। उसके बाद बन गया वो, जब पैक करना होता है बेटा डाकू को, तो वो बन गया। लेकिन उसके बाद उसकी उन्नति हुई, उसकी प्रगति हुई, तो उसको प्रमोशन मिला, तो उससे क्या बन गया? वो डाकिया। डाक सेवक के रूप में आपको क्या क्या करना पड़ता था? डाक सेवक के रूप में उसको क्या क्या करना पड़ता था? डाक सेवक के रूप में उसे मुझे बहुत कुछ करना पड़ता था। ग्रामीणों की चिट्ठियां, रजिस्ट्री, पार्सल, बूढ़ों और विधवाओं की पेंशन देने गांव-गांव जाना पड़ता था। गांव के लोगों का डाकिये के प्रति कैसा व्यवहार होता है? जो ऊपर साक्षात्कार लेने वाला है वो पूछता है कि जब तुम डाक बांटने जाते हो तुम्हारे प्रति गांव वालों का कैसा व्यवहार होता है, कैसा आचरण होता है। आमतौर पर गांव के लोग डाकिये का आदर सम्मान करते हैं, पर कभी कभी शोक संदेश पाकर डाकिये को बुरा भुला कहने से भी नहीं चुकते। उसने बताया कि आमतौर पर तो सब इज्जत करते हैं डाकिये की, लेकिन कई बार जैसे डाक के द्वारा कोई बुरी खबर आ जाती है, बुरा शोक खबर आ जाती है, दुख की खबर आ जाती है, तो
डाके को ही बुरा भला कहने लग जाते हैं। वैसे वे अपनी चिट्ठियां और मनी ऑर्डर पाने के लिए डाके का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, क्या अभी भी डाक सेवा का महत्व तो बना हुआ है? साक्षात्कार वाले का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंटरनेट के जमाने में भी डाक सेवा का की इम्पोर्टेंस है। यह ठीक है कि आज कंप्यूटर इंटरनेट का युग है, संदेश भेजने के अनेक माध्यम उपलब्ध, मोबाइल फोन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इन सब के बावजूद आज भी गांव में डाक सेवा का महत्व तो बना हुआ है। क्योंकि बेटा पहले तो क्या था, पहले फोन वगैरह नहीं होते तो क्या था, डाकों के द्वारा ही, लेटर के द्वारा ही एक दूसरे तक खबर पहुंचाई जाती थी, कई दिन में पहुंचते। लेकिन अब तो फोन ऐसे साधन हो गए कि अब तभी फोन कर दो, कहीं किसी के पास कितनी दूर हो फोन से बातें कर सकते। लेकिन पहले क्या था, डाक के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत हो सकती, एक दूसरे के हालचाल का पता लगाया जा सकता था। हमारे देश की डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। महंगाई के दौर में भी यह काफी सस्ती है, इसे हम देश के किसी भी कोने में कम खर्च करके चिट्ठी भेज सकते हैं। रुपए पैसे भेजने के लिए मनी ऑर्डर सस्ता और सुलभ साधन है। डाक मनी ऑर्डर के द्वारा हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैसे भी भेज सकते हैं, और यह बहुत ही आसान विधि। क्या आपको डाकिया की नौकरी करते हुए मजा आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको वो जो साक्षात्कार लेने वाला है वो उससे पूछता है कि आपको डाकिया की नौकरी करते हुए मजा आता है, इंटरेस्ट है इसमें? बोला, हाँ मुझे अपने काम में बहुत मजा आता है। मैं जब दूर फौज में नौकरी करने वाले सैनिकों द्वारा उनके घर भेजा गया मनी ऑर्डर लेके जाता हूँ तो उनके बूढ़े माँ बाप के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसे देखकर मुझे अपने काम में संतोष का अनुभव होता है। बूढ़े व्यक्ति अपनी पेंशन पाकर खुश हो जाते हैं, इस प्रकार मुझे अपनी नौकरी करते हुए मजा आता है। इसमें क्वेश्चन आंसर में बताया बेटा उसने कि मैं जब चिट्ठियां बांटने जाता हूँ, अर्थात जो व्यक्ति सैनिक है दूर रहते हैं, वो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए पैसे भेजते हैं और वो मनी ऑर्डर में उन्हें देने जाता, तो वो बूढ़े माँ बाप मनी ऑर्डर को पाकर बहुत खुश होते हैं, अपने बच्चे की खबर पाकर बहुत खुश होते हैं। डाकिया कहता है कि मैं उनकी खुशी को देखकर बहुत संतुष्ट हो जाता हूँ, मुझको बहुत संतोष महसूस होता है, इसलिए मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश हूँ। आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र के गाँव में डाक पहुँचाने में कठिनाई तो आती होगी? हाँ कठिनाई तो आती है, यहाँ से डाक का थैला लेकर सुबह जल्दी काम पर निकलना पड़ता है, आसपास के गांव में साइकिल से जाना पड़ता है, सुबह सर्दी भी अधिक होती है, रोजाना लगभग 25-30 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है, पर यह सब मेरी नौकरी का हिस्सा है। आखिर सरकार काम करने की ही तो तनख्वाह देती है। जैसे कि क्वेश्चन में बताया कि वो पहाड़ों में रहता है, नैनीताल में, वहां की क्या है, वहां का रास्ता क्या है, उबड़ खाबड़ है, पहाड़ों का क्षेत्र है, कोई गांव नीचे है कोई ऊपर, वैसे कुछ दिक्कत में है, तो वो क्या करता है, साइकिल पे जाता है, और साइकिल पे कितना सफर करता है, 25 से 30 किलोमीटर चलानी पड़ती है उसको प्रतिदिन साइकिल, तब वह डाक बांट कर आता है। नौकरी करते हुए कोई खास घटना घटी हो तो उसके बारे में बताइए। तब साक्षात्कार लेने वाले ने उसे एक प्रश्न और पूछा कि नौकरी करते समय कोई घटना घटी है? नौकरी के दौरान की एक घटना आपको सुनाता हूँ। 2 साल पुरानी बात है, मेरा तबादला हुआ ही था, मेरी जब तबादला होता बेटा ट्रांसफर, एक समय से दूसरी जगह पर जाना, मुझे रानी खेत से नैनीताल भेजा गया था। अभी मैं यहाँ नया नया था, मुझे पोस्ट ऑफिस के पीछे बने रेस्ट हाउस में चौकीदारी भी करनी थी। रात के समय किसी ने दरवाजा खटखटाया, मैंने पूछा कौन है, जवाब आया दरवाजा खोलो, रेस्ट हाउस का काम है। मैंने दरवाजा खोल दिया, 4-5 लोग अंदर घुस आए और लगे मुझे पीटने। एक व्यक्ति ने मेरे सिर पर लोहे की छड़ से वार किया, मेरा सिर फट गया, खून बहने लगा, पर मैंने भी उनके मुकाबले में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे शोर मचाने से पर लोग आ गए, 3 आदमी तो भाग गए पर एक आदमी पकड़ा गया, उसे पुलिस के हवाले किया गया तथा मुझे निकट के अस्पताल में पहुंचाया गया। मेरे सिर में 5 टाके आए। उसने अपने जीवन की घटना के विषय में बताया, जब वो क्या था, एक रेस्ट हाउस की रखवाली करता था,
तो वहां पे किस तरह से दो तीन चार पांच व्यक्ति आए और उसकी पिटाई करने लगे। क्या सरकार ने आपके काम की प्रशंसा की? हाँ, मेरे डाक विभाग ने मुझे सम्मानित किया। मुझे बेस्ट पोस्टमैन का प्रमाण पत्र तथा 5,000 रुपये का इनाम भी दिया गया। मेरा इलाज भी सरकारी खर्चे से कराया गया। क्या आप अपनी नौकरी से संतुष्ट हैं? मैं अपनी नौकरी से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे 2 तरक्की मिल चुकी हैं। अभी मेरी नौकरी लंबी चलेगी। मुझे उम्मीद है कि मैं पोस्टमास्टर के पद तक पहुंच जाऊंगा। मैंने पत्राचार द्वारा बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है। उत्तीर्ण का अर्थ है पास कर ली है। मुझे अपनी नौकरी पर गर्व है। वो जो पत्राचार के द्वारा ही उसने क्या किया है, बीए की परीक्षा पास की है और उसे अपनी नौकरी से वह बहुत ही संतुष्ट है। मैं आपके भावी जीवन की सफलता के लिए शुभकामना देती हूँ। जो साक्षात करने लेने वाली है वो उसे कहती है, मैं आपके जीवन के लिए सफलता के लिए शुभकामना देती हूँ। तब वह कहता है धन्यवाद। इस प्रकार से इस पाठ में बेटा बताया गया है कि एक डाकिये का जीवन कैसा होता है, कैसा है और वो किस तरह से उसके सामने कोई कठिनाई उसका सामना भी वो अच्छी तरह से करता है, उसको किस तरह से खुशी मिलती है, दूसरों को सुख देकर उसको बहुत खुशी मिलती है। वो अपने कार्य से काफी संतुष्ट है। इस पाठ को पढ़ना बेटा और कठिन शब्द को अंडरलाइन करना। थैंक यू।